गाइस गुड मॉर्निंग जूले जी, तो आपका स्वागत है ट्रैवल विद पीजे में। डे 5 में हम लोगों का डिस्टेंस 730 हुआ है, इसे ज़ीरो कर लेते हैं आज के ट्रिप के लिए। तो लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज का काम। चलिए जी, फाइनली पहाड़गंज छोड़ते हुए गर्मी ने आज पूरा तोड़ दिया है, फोड़ दिया है, मरोड़ लिया है, बार बार बोल रहा हूँ। गाइस फाइनली दिल्ली से ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, आधा घंटा लग गया 9.4 किलोमीटर कवर करने को। तो हम लोग आज निकले हैं सुबह 5:30 बजे दिल्ली से। अभी NH 44 पकड़ेंगे और 1 किलोमीटर में। इतना सुबह भी दिल्ली में बहुत ट्रैफिक और डाइवर्जन भी बहुत है, तो उसके लिए इतना टाइम लगा। तो गाइस फाइनली आके NH 44 में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे राइट साइड में एक बढ़िया ब्यूटीफुल सनराइज़ हो चुका है। दिल्ली को ऑलमोस्ट एग्जिट कर चुके हैं, तो हम लोग अभी NH 44 में जाएंगे। पहले करनाल, उसके बाद कुरुक्षेत्र, अम्बाला, और रोड पूरा अभी तक 2-3 किलोमीटर चला चुके हैं, पूरा एक नंबर है। ऐसे ही 4 लेन वाला हाईवे है, होपफुली ऐसा ही रहेगा। टोटल डिस्टेंस 3762 यानी कि 1728 किलोमीटर्स अपने घर से कवर हो चुका है ये लद्दाख राइड में। और फ्यूल अभी है तो भराए नहीं, परसों ही आखिरी में भराए थे, उसके बाद और रिफ्यूल नहीं कराए, आज कराएंगे। और इंजन ऑयल डाल चुका हूँ मैं अपने गाड़ी में, मोटुल का 5100 15W50 का, जो मैं कि घर से लेके आया था, और ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, बाकी सब नट बोल्ट वगैरह दिखा दिया, सब टाइट ट्विट कर दिया, इतना कुछ दिक्कत नहीं था, गाड़ी ठीक ही था। और जो मेरे कज़न ट्रैवलिंग पायरेट, तो उनका क्लासिक 500 डेजर्ट स्टॉर्म में एक लद्दाख कैरियर लगाया जो कि 2200 का आया, उसके साथ उनका मोटुल का V300 रेसिंग इंजन ऑयल डाला गया। और यही कुछ था उनका भी सीन, बहुत ही अच्छा प्राइस में हमको एक दुकान राइडर जंक्शन करके दिल्ली में करोल बाग में मिला, उसमें बहुत सारे चीज़ है, सब आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। लेकिन उनका सर्विस थोड़ा कॉस्टली है, मेरा इंजन ऑयल खाली चेंज करने के लिए 150 रुपीज़ लगा, उनका वो लद्दाख कैरियर और इंजन ऑयल के लिए ऑलमोस्ट 650 या 700 लग गया, वो थोड़ा ज़्यादा है कॉस्ट। लेकिन प्रोडक्ट्स आपको बाकी सब मिल जाएंगे और अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। 6 बजे भी इतना भीड़ दिल्ली में, एक्चुअली दिल्ली से निकल चुके हैं ऑलमोस्ट, फिर भी हाईवे पे। बीच वाला भी बंद है और साइड वाले में भी काम है, इसके लिए भीड़ है। तो हम लोग पूछे कुछ लोगों से सुबह कितना बजे निकलेंगे, तो भीड़ नहीं मिलेगा, 5:30 से चलेगा, सब लोग बोले हाँ निकल जाओ। पर यहाँ तो भाई 5:30 बजे निकल के भी हालत ख़राब हो रहा है। तो अगर कोई दिल्ली से देख रहा है या फिर ये रूट में रेगुलर जाता आता रहता है NH 44 में, तो नीचे प्लीज़ कमेंट कर दो कि कितना बजे निकलने से सही रहता है और भीड़ भाड़ नहीं रहता। मेरे ख्याल से 4-4:30 होगा, क्योंकि 5:30 बजे तो आके हमने भीड़ देख ही लिया है। फाइनली ख़त्म हुआ ये पैच, 5 किलोमीटर ऐसे के बाद थोड़ा राहत मिला, पसीने से पूरा लथपथ हो चुका हूँ। पहुँच गए मुरथल में, जो मुरथल है वो फेमस है पराठे के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे ढाबा गया पीछे, तो ढाबे में लिखा हुआ था कि एसी रूम भी है रहने के लिए। तो अगर आप दिल्ली में नहीं रुकना चाहते, भीड़ से बाहर रुकना चाहते हो, तो मुरथल में रुक सकते हो। ये दिल्ली से अराउंड 45 किलोमीटर दूर है और डिस्टेंस 46 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। वो भीड़ के बाद लास्ट 8-10 किलोमीटर ऐसा ही पूरा सपाट रोड मिला है, बढ़िया रोड, तो पूरे आराम से भगा रहे, होपफुली ऐसा ही रोड आए भाई साहब, और डाइवर्जन वाइवर्जन ना आए। सुबह सुबह गर्मी में हालत ख़राब हो गया था। तो लेफ्ट साइड को है सोनीपत बाईपास, सीधा है पानीपत, पानीपत और 43 दिखा रहा है। ये देखो मुरथल ढाबा, एसी रूम्स, सिंधु पहलवान, तो दोनों तरफ ढाबा ही ढाबा है। और ये रहे महादेव जी और बजरंगबली, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, मन्नत मुरथल,
तो लेफ्ट साइड राइट साइड में खाली भरती है, ढाबा ही ढाबा। लेकिन हम लोगों को और ब्रेक ब्रेक नहीं लेना है, ऑलरेडी स्पीड बहुत कम हो चुका है। केला खरीद लिए है, उसे ही दो दबा देंगे, उसके बाद देखते हैं जहाँ कुछ मिलेगा खाएंगे। तो गाइस हम लोग अभी पानीपत क्रॉस कर रहे हैं, ये वाला जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और ये मिनी सेक्रेटेरिएट, तो हरियाणा स्टेट में है हम लोग अभी। तो ये वाला हमारा फोर्थ स्टेट है, फर्स्ट निकले थे ओडिशा, फिर झारखंड, उसके बाद बिहार, फिर यूपी आया, दिल्ली यूनियन टेरिटरी और हरियाणा फोर्थ स्टेट। और रोड का कंडीशन भाई एक नंबर है, और डाइवर्जन इतना आया नहीं है, तो वो एक दो डाइवर्जन छोड़ के सब पूरा फोर वे का लेन था। अभी हालांकि 3 वे हो चुका है, बीच बीच में ऐसे गाड़ी चलाने वाले मिल रहे हैं। और पीछे हम लोगों ने प्रेशर चेक कराया, ठीक ठाक था ऑलमोस्ट। और प्रेशर वाला भाई साहब 20 रुपये एक बाइक का मांगा, क्या कर सकते हैं, बाहर का नंबर प्लेट देखते ही दाम पूरा दुगना हो जाता है, तो क्या कर सकते हैं, वो एडजस्ट करना पड़ता है। गाइस तो पानीपत में पहुंच चुके हैं, पानीपत के टोल प्लाजा के आगे खड़े हैं। तो आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूं, अगर बाइक ट्रिप कर रहे हो लॉन्ग या फिर सुबह निकल रहे हो, तो एक काम करना कि 2 ठो केले ले लेना, क्योंकि भाई फर्स्ट ब्रेक जब आप निकलोगे 5:30 बजे जैसे हम निकलते हैं, तो फर्स्ट ब्रेक जब लोगे 7:30 को, तो 2 ठो केला खा दोगे तो पेट थोड़ा भर जाएगा, उसके बाद आप आराम से ब्रेकफास्ट 9-10 बजे ढूंढ के कर सकते हो। वरना ब्रेकफास्ट के लिए बीच में स्लो हो जाता है स्पीड, तो केला खरीद लेना, ये एक बहुत ही मतलब यूजफुल चीज़ है, पूरा बॉडी को एनर्जाइज कर देता है। तो अभी मैं केला खाता हूँ और निकलता हूँ फिर से NH44 पे। बस रहने दीजिए, कार्ड में पेमेंट है। तो गाइस 871.11 हुआ पेट्रोल, 8.29 लीटर्स, यहाँ भी कम है 105.08। ओडिशा से आप लोगों का पेट्रोल बहुत सस्ता है, 105, हमारा वहाँ 113। और आए बीच में बिहार में डाले तो 117। यहाँ बहुत ही सस्ता है, मतलब 100 के ऊपर है, फिर भी हमको नहीं भाई साहब, जितना अमीर राज्य है उतना पेट्रोल का दाम कम है। तो हमारे वहाँ थोड़ा आपको उधर हिमाचल में और भी सस्ता मिलेगा। सस्ता मिलेगा कितना? 2-4 रुपये ना। तो गाइस लेफ्ट साइड में है नीलो खेरी, सीधा है अंबाला, अमृतसर, चंडीगढ़। और हम लोगों को जाना है सीधा नेशनल हाईवे 44 में, अभी भी हम लोग जा रहे हैं। और रोड कंडीशन भाई एक नंबर, मस्त रोड है, 3 लेन मिल रहा है मोस्टली, लेकिन कंडीशन ऐसा ही है, पूरा चलता ही जा रहा है। तो लास्ट ब्रेक जब लिया था तब से अब तक 34 मिनट्स में अराउंड 40 किलोमीटर्स कवर किए हैं, तो एवरेज स्पीड आप पकड़ लो 75-80 किलोमीटर्स पर आर, पूरा आराम से चला रहे। और पीछे करनाल गया, फर्स्ट टाइम इस ट्रिप में राइट साइड में मैं देखा कि 3 मिलिट्री व्हीकल्स जा रहे थे। आगे तो भाई पूरा देखना ही है मिलिट्री व्हीकल्स, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि पूरा मिलिट्री एरिया में हम लोग अभी जा रहे हैं। तो अंबाला कैंट और 59 किलोमीटर, जालंधर 232, अमृतसर 311। तो कुछ ही टाइम बाद अंबाला आ जाएगा, और मैंने फ़ोन को अंदर डाल दिया है, क्योंकि क्यों चाहिए भाई फ़ोन को बेकार में लगा के चार्ज ख़त्म करो। गूगल मैप्स का इस रूट पे कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा सीधा सीधा रूट NH44 में है। 150 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद आके नानक ढाबा में रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। आलू प्याज का पराठा मंगाया है, बाहर बहुत नॉइज है, जनरेटर चल रहा है, इसलिए मैं टॉयलेट में बना रहा हूँ वीडियो। अंबाला और 50 किलोमीटर्स दूर रह गया, और रोड एक नंबर है, मज़ा आ रहा चलाने के लिए। मैं आपको पराठा दिखाता हूँ, फिर आपसे रोड पे मिलता हूँ। तो गाइस जो आलू प्याज के पराठे खाए वो 70 रुपीज ईस्ट था, 140 रुपीज बिल आया, इतना कुछ खास नहीं था, चलेगा पेट भरने के लिए खाए। तो हम लोग अभी भी NH44 पे कंटिन्यू कर रहे हैं। गूगल मैप्स में देख रहा था, तो गूगल मैप्स में ये रोड का नाम लिखा था श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे, उसके बाद लिखा था दिल्ली मुल्तान हाईवे ग्रैंड ट्रंक रोड। तो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ब्रेक्स लेते हैं या नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर ब्रेक्स दिखा नहीं पाता। हम लोग लेते हैं, लेकिन वो वाटर या फिर वॉशरूम ब्रेक का रहता है। तो जल्द ही उतरते हैं, हेलमेट उतारते हैं, पानी पीते हैं, फिर वापस राइडिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके लिए वो जो छोटा ब्रेक है वाटर ब्रेक,
दो तीन मिनट का, वो मैं आपको दिखाता नहीं, क्योंकि वो अगर दिखाने जाऊंगा तो भाई साहब हमारा भी लेट हो जाएगा और वीडियो भी बहुत बड़ा बन जाएगा। तो वाटर ब्रेक्स बीच बीच में लेते रहते हैं हम लोग, वरना ये गर्मी को कैसे टैकल करने का। हरियाणा का ये एक बोर्ड लगा हुआ है, ये धनुष बना हुआ है, उसके ऊपर एक शंख लगा हुआ है, हरियाणा अम्बाला आपका स्वागत करता है, शुक्रिया जी स्वागत के लिए। तो ये जो लेफ्ट साइड को रूट जाता है ये शिमला और चंडीगढ़ का रूट है, तो हम लोग वो रूट नहीं लेंगे क्योंकि हम लोगों को वाया श्रीनगर जाना है ले, तो इस रूट से जाएंगे। रिटर्न करते टाइम मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम में आएंगे मनाली से चंडीगढ़ होके। लद्दाख बाइक ट्रिप का सिक्स्थ स्टेट में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पंजाब ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं। खतरनाक NH44 का रोड, सिकंजी ब्रेक गर्मी में, और ये भैया बना के दिए। ये जगह का नाम क्या है भैया? राजपुरा। अच्छा ये पंजाब में जाता है ना। तो लुधियाना और 24 किलोमीटर्स, उसके बाद हम लोग डिफरेंट रूट में जाएंगे, अमृतसर वगैरह स्किप कर देंगे। तो गर्मी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और ये हाईवे बहुत ही सही है, प्रॉपरली बना हुआ है, तो पूरा सीधा रोड है। तो थोड़ा थोड़ा बोर भी लग रहा है बीच में, क्योंकि खाली स्ट्रेट ही चलाने का है और कुछ व्यू वगैरह इतना है नहीं। डिस्टेंस अभी 284 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं दिल्ली से, टाइम हो रहा है 11:33 और फिल्लौर दिखा रहा है 40 किलोमीटर्स। अगर आप लोग को याद होगा एक मूवी आया था बीच में फिल्लौर ही, दिलजीत दोसांझ का, तो वही गांव है फिल्लौर। वेलकम टू लुधियाना गाइस। तो लुधियाना है मेरे लेफ्ट में, अभी हम लोग चल रहे हैं NH44 पे, मेन सिटी सेंटर को स्किप करके हम लोग सीधा बढ़ते ही जाएंगे। टाइम हो रहा है 11:49, डिस्टेंस हुआ है 302.5 किलोमीटर्स। यहाँ पे एक पंजाबी भैया मिले जिनका नेटिव प्लेस पंजाब है, लेकिन हमारा OD नंबर प्लेट ओडिशा का देख के आके मिले, क्योंकि वो ओडिशा में पले बड़े हैं बारीपदा से। उनसे 2 मिनट बात किया, अभी फिर से निकल पड़े हैं और कुछ टाइम बाद एक वाटर ब्रेक लेंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली सिकंजी पीने के बाद चला रहे हैं, ब्रेक मेरे कुछ नहीं लिया है। और ये रहा हीरो साइकिल का प्लांट, शायद पता नहीं, बहुत ही बड़ा था। तो गाइस यहाँ पे लुधियाना में थोड़ा वाटर ब्रेक ले रहा था, यहाँ पे एक भाई मिले अंकित भाई, तो उनसे बातचीत किया तो बता रहे थे कि पठानकोट तक रोड पूरा ऐसा ही है, NH44 ही जाता है। यहाँ पे बहुत शोर शराबा है, ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, सुनाई नहीं देगा आपको प्रॉपरली। अंकित भाई से मिलो, अंकित भाई लुधियाना से है, तो रोड पूरा ऐसा ही रहेगा, सही रोड ना? अच्छा, तो अंकित भाई हम लोगों को खाने के लिए बुला रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, इसीलिए रुक नहीं पाए। अगली बार कभी आएंगे तो देखेंगे। ये सनी ऑटो सेंटर, ये भैया बहुत ही अच्छे हैं, कोशिश किए, बहुत एयर फिल्टर निकाला, सब निकाल के साफ सूफ करके कोशिश किए, एक्सीलरेटर वायर वगैरह सेटिंग किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो हमारे जो मैकेनिक है अब्बू भाई कटक के, तो उनसे पूछा फ़ोन में, तो वो बोले कि ये जो फ्यूल हमने भर्ती कर दिया था तो गर्मी इतना ज़्यादा है, उसके लिए प्रेशर बिल्टअप हो गया होगा और वो प्रेशर अटक गया होगा फ्यूल पाइप में, इसके लिए दिक्कत आ रहा होगा। तो वो बोले कि ये जो नोज़ल है जिसमें फ्यूल डालते हैं उसे खोल के चलाने के लिए 1-2 किलोमीटर ठीक हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो देखते हैं क्या करते हैं। ये सनी मोटर वाले से, सनी शोरूम वाले से भैया से पूछे तो वो बोले कि आगे 2 किलोमीटर के बाद एक बुलेट का मैकेनिक है, वरना उसके पास जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे बहुत फ्रेंडली लोग हैं, सब लोग आके पूछ रहे हैं किधर से आए हो, क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, और खाना वाना खाओगे या पानी वगैरह कुछ चाहिए। और वो जहाँ पे गाड़ी दिखाए सनी भाई, वो 20 रुपीज़ हुआ, बोले फिर बोले रहने दो, मैं तो ठीक नहीं कर पाया, तो वो जेस्चर अच्छा लगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये जो क्लासिक 500 है वो मिसिंग मार रहा है, पिकअप नहीं ले रहा है जब ऐसे रेस दे रहे हैं, और बंद हो रहा है गाड़ी बीच बीच में।
सारा कचरा ये पेट्रोल में था। तो क्लासिक 500 का फ्यूल पंप में प्रॉब्लम दिखा रहा था। लुधियाना में ही ठीक 2 किलोमीटर पहले साइकिल सिटी कस्टम एक शॉप है, उसके 2 किलोमीटर पहले ही प्रॉब्लम दिया बाइक में। तो फॉर्चुनेटली हम लोगों को बलजीत भैया मिल गए, इनका नंबर मिल गया। तो बलजीत भैया ने बहुत हेल्प किया गाड़ी का, पूरा फ्यूल पंप को निकाला, पेट्रोल निकाला, पूरा कचरा साफ किया। कचरा तो आप लोगों को मैंने दिखाया ही था, और हम लोगों को भूख लग रहा था सुन के उन्होंने अपने तरफ से हम लोगों के लिए खाना ऑर्डर किया, पूरा भरपूर खाना दिया। फिर पानी भी खुद से जब पहुंचे तो पहले पानी दिए, तो वो बहुत ही अच्छा लगा हॉस्पिटैलिटी उनका, क्योंकि इतना गर्मी में आ रहे थे तो पंजाब आके पूरा दिल खुश हो गया। तो साइकिल सिटी कस्टम लुधियाना में अगर कभी आ रहे हो, लद्दाख वगैरह जा रहे हो, काम कराना है, तो यहाँ पे आना और बलजीत भैया से मिलना और बोलना कि बहुत ही अच्छे इंसान है और बोलना दो लड़के आए थे, क्लासिक 500 खराब हुआ था, तभी भैया को पता चलेगा। अते बाय बाय टाटा। तो गाइस साइकिल सिटी कस्टम से निकल गए लुधियाना, टाइम हो रहा है 3:44, ऑलमोस्ट 3 घंटा गया, 3 घंटे से ऊपर, लेकिन एक नंबर एक्सपीरियंस था। 315 किलोमीटर हुआ है अभी तक, गाड़ी का काम हो गया वो मेन चीज़ है, पूरा अच्छे से काम हुआ। भैया तो इतने अच्छे थे कि पैसे वगैरह भी कुछ ले नहीं रहे थे, तो हम लोग ने ज़बरदस्ती किया, नहीं भैया आपने इतना काम किया है, ऊपर से हमको खिलाया पिलाया भी है, तो ये तो बनता है। तो लुधियाना में आओगे मैं तो बोलूँगा कि अगर लद्दाख जा रहे हो, दूर से आ रहे हो, दिल्ली में सर्विसिंग करने के जगह यहाँ पे लुधियाना में आके साइकिल सिटी कस्टम में करवा देना, बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई चेपेगा नहीं कुछ माल, इधर उधर का चीज़ आपके साथ नहीं होगा, जो भी होगा काम होगा आपके आँखें सामने होगा, पक्का काम होगा। तो बढ़िया एक्सपीरियंस था, लेकिन गर्मी भाई पूरा तोड़ रहा है आज हम लोगों को। अभी टेम्परेचर 46 डिग्री है, बाइक का शुरू होते ही 47 हो गया है। तो अभी क्लासिक 500 में थोड़ा फ्यूल डलवाते हैं, फिर हाईवे में बढ़ते हैं। हाँ तो 671.17, 6.38 लीटर्स, 105.20 फ्यूल का प्राइस यहाँ पे लुधियाना में। भैया हमारा फ्यूल डाले, यूट्यूब देख के खुश हो गए। जो गर्मी हो रहा है क्या बताऊँ आप लोगों को, सूर्यदेव पूरा तोड़ रहे हैं हम लोगों को। 46-47 डिग्री में फर्स्ट टाइम लाइफ में बाइक चला रहा हूँ मैं, खतरनाक गर्मी है। पीछे एक जगह पे ऑरेंज जूस पिए, उसके बाद सोडा पिए, पानी पिए, कुछ काम नहीं कर रहा है। पूरा बर्फ़ का ठंडा पानी मैंने अपने बलक लावा पे मारा और उसको पहना, तो भाई एक मिनट भी नहीं लगा सूखने के लिए, खतरनाक। और अभी हम 80-90 के स्पीड में जा रहे हैं, तो वो जो हवा लग रहा है वो और चटका लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भैया लुधियाना में। क्या व्लॉग बनाओ, क्या दिखाओ आपको, गर्मी के बारे में बता बता के तो भाई पूरा हालत ही ख़राब हो जाएगा। फ़ोन बीच में काम करना बंद कर दिया था, मैप लगाया था तो देखा कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा या फिर इसे बंद कर दो। तो अभी जलंधर और 38 किलोमीटर्स मोर, आगे फगवारा आएगा और लेफ्ट में गोराइया आएगा, तो 336 किलोमीटर्स हुआ है, 4:30 हुआ है, 4:30 बजे भी इतना ज़्यादा धूप। GoPro को मैं अभी स्विच ऑफ करता हूँ, वरना GoPro कहीं काम करना बंद ना करते। तो अभी हम लोग जलंधर सिटी को बाईपास कर रहे हैं, बीच में 45-50 मिनट्स का ब्रेक ले लिया था बर्गर किंग में, कुछ खाया नहीं, खाली एक एक सॉफ्टी खाए और पानी 4-4 ग्लास पिया बर्गर किंग में। भाई साहब धूप तो नीचे होने का नाम ही नहीं ले रहा है, हेलमेट के वाइजर के सामने ही पूरा धूप आ रहा था, तो बहुत मुश्किल हो रहा था चलाने के लिए। जूस वगैरह पिए, जितना जो भी कर लो पानी पी लो, कुछ नहीं हो रहा था, एनर्जी अलग ही लेवल का ड्रेन हो रहा था। तो ब्रेक लिए कुछ टाइम के लिए, फिर निकले हैं। अभी टाइम हो रहा है 5:50, शाम होने को आ रहा है, फिर भी अभी तक ये गर्मी ख़त्म ही नहीं हो रहा है।
तो डिस्टेंस 370 किलोमीटर कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और देखते हैं आज का प्लान क्या रहता है, क्योंकि हम लोगों का जो प्लान था उधमपुर का वो तो लग नहीं रहा, पठानकोट मोस्ट प्रोबेबली पहुंचेंगे। गाइस ये रोड सीधा जाता है पठानकोट को, पठानकोट और ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स, और यहाँ पे देखो सूर्यदेव का प्रकोप कितना बताओ, आज दिन भर बता रहा हूँ कम ही नहीं हो रहा है। अभी मेरे को टाइम बताओ कमेंट सेक्शन में गेस करके कि कितना बजा होगा। तब तक गर्मी को हराने के लिए हम लोग ये गन्ने का जूस पीते हैं, गर्मी ने आज पूरा तोड़ दिया है, फोड़ दिया है, मरोड़ लिया है, बार बार बोल रहा हूँ। तो कमेंट में मेरे को बताओ कि टाइम कितना हुआ है आपको लग रहा है गेस करके, और जो ईस्ट जोन के लोग हैं उनको तो बिल्कुल ही गेस करना चाहिए कि कितना हुआ है। वो गन्ने के जूस पीने के बाद थोड़ा दिल को सुकून मिला, थोड़ा आराम मिला, और सूर्यदेव भी थोड़ा थोड़ा करके नीचे जा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 6:35। तो लास्ट अपडेट जब आपको दिया था और टाइम पूछा था कितना हुआ है बताओ, तब 6:15 हुआ था। तो सोचो 6:30 हो चुका है अब, फिर भी इतना धूप है। हमारे वहाँ तो अभी तक अंधेरा ऑलमोस्ट आ जाता है। तो पठानकोट और 70-75 किलोमीटर्स है, पठानकोट से ही पहले ये वाला घाट सेक्शन है, छोटा सा घाट सेक्शन है, लेकिन थोड़ा तो भाई साहब फील आया पहाड़ का, जिस चीज़ के लिए आए थे मेनली हम लोग लद्दाख बाइक ट्रिप, तो उसका शुरुआत प्रॉपरली अभी हुआ पठानकोट से। 740 ऑलमोस्ट हो रहा है, 477 किलोमीटर्स ओडोमीटर में दिखा रहा है, पठानकोट ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। तो हम लोगों का प्लान था जुदमपुर करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाड़ी खराब होने के कारण कर नहीं पाए। हमने लिया के पठानकोट में पहुंच गए 8:30 बजे, और ये वाला रूम लिया है, ये इस लद्दाख ट्रिप का सबसे बेस्ट रूम मेरे को लगा। टीवी वगैरह है वो यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे सामान वगैरह रखने के लिए जगह है, 2 चेयर, यहाँ पे एक स्टूल जैसा है, ये रहा बेड थी, ये रहा स्पेस यहाँ पे भी सामान वगैरह रखने के लिए। तो आपको मैं दिखाया था बाहर बाइक वगैरह सब रखा है, तो पूरा पास ही है, बहुत ही अच्छा रूम मिला। तो 1200 रुपीज़ एसी रूम का बहुत ही सही है, पठानकोट में आप पूरा हाईवे के ऊपर ही मिल गया, यहाँ से लखनपुर बॉर्डर 20-30 किलोमीटर दूर है। तो आज का दिन बहुत ही मतलब इवेंटफुल रहा, फर्स्ट हम बहुत ही अच्छा डिस्टेंस कवर कर दिए, उसके बाद अच्छे अच्छे लोगों से मिले, और इनका गाड़ी खराब हुआ था कैसा लगा एक्सपीरियंस बलजीत भाई के साथ? बहुत अच्छा लगा, गाड़ी ठीक जगह पे ही खराब हुआ, बस पूरा ठीक जगह पे भी खराब हुआ। कल से मेन जर्नी शुरू होगा, तो कल हम लोग जाएंगे पठानकोट से मोस्ट प्रोबेबली श्रीनगर या फिर सोनमर्ग, देखते हैं क्या होगा। अभी तो बारिश आ रहा है बाहर, कल पता चलेगा क्या होगा, आप लोगों को भी नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो day 5 को मैं यहीं पे पठानकोट पे एंड करता हूँ, और पंजाबी लोग भाई एक नंबर है, दिल के बहुत ही मतलब सच्चे और पूरा खुले दिल वाले है, सब लोग हेल्प करने के लिए आ गए, ये बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको मिलता हूँ नेक्स्ट day 6 में, कल आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ गए। तो वही बोला कि नहीं और कम नहीं हो सकता, 1000 में ही होगा। तो हम लोग बोले ठीक है भाई, इतना रात हो चुका है, हम लोग भी बहुत टायर्ड है, 700 किलोमीटर कवर किए थे तो ले लेते हैं। अभी जब निकल रहे हैं रूम से, तो अभी फिर दिखाया कि 12% एक्स्ट्रा GST वहाँ पे लिखा हुआ था, पर हमको कैसे मालूम रे बिटवा, आप लोगों ने बोला ही था कि 1000 रुपीज़ सब कुछ मिला के फाइनल भी हुआ था, उसके बाद भी ऐसे। हम लोग बोले छोड़ो भाई आर्ग्यू नहीं करना, रेस्टोरेंट तो नहीं एक छोटा ढाबा बोल सकते हो, 2 इडली का प्राइस 60 रुपीज़, छोटा छोटा 5 रुपये वाला इडली जिसका दाम 10 रुपये होना चाहिए, मैक्सिमम टूरिस्ट जगह 20 रखो भाई, 30 रखो, 60 रुपीज़।